हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 5 नवंबर दिन रविवार है। वह हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसान कर्ज माफी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस को घेरा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी दौरान वे शिवपुरी पहुंचे और उन्होंने किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में 26 लाख किसानों को झूठे किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए और मुझसे भी झूठे प्रमाण पत्र वितरित करवा दिए गए, लेकिन एक्चुअल में किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। दोस्तों, प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। दीपावली से पहले जारी होगी अगली किस्त और लाडली बहनों के खातों में आएंगे 1250 रुपए। दोस्तों, दीपावली और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले राज्य सरकार 1,31,00,000 लाडली बहनों को एक बार फिर बड़ा तोहफा देने जा रही है। यह तोहफा 7 नवंबर को योजना की छठी किस्त के तहत जारी होगा। इसके तहत बहनों के खातों में 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लाडली बहना योजना पर आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह योजना प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो गई है। यह योजना मई में लागू हो गई थी और 10 जून को योजना की पहली किस्त जारी कर दी गई थी। अब एक बार फिर योजना की छठी किस्त 7 नवंबर को 1,31,00,000 महिलाओं के खातों में जारी होगी। इसलिए सभी महिलाएं तारीख याद रखिएगा, 7 नवंबर 2023 को योजना की छठी किस्त आप सभी के बैंक खातों में जारी हो जाएगी। दोस्तों, स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 416 स्कूलों को मिलेगा महत्वपूर्ण लाभ, जिससे कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक के छात्र होंगे लाभान्वित। दोस्तों, प्रदेश के 416 सरकारी स्कूलों को प्रथम चरण में पीएम श्री योजना से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही विशेष सुविधा युक्त बनाया जाएगा। वहीं हर विकास खंड में 2 स्कूल चयनित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 विकास खंड में 1 प्राइमरी सहित 1 मिडिल स्कूल एवं हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल को शामिल किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के करीब 100 स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 219 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत भी कर दिया गया है। इसकी राशि सीधे स्कूल के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस प्रकार से प्रदेश के 416 स्कूलों का कायाकल्प होगा, पहले चरण में 100 स्कूल और दूसरे चरण में बचे हुए स्कूलों का। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में कहा कि जब भी बहन याद करो तो मामा ही याद आएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में कहा कि भाजपा की सरकार ने हमेशा किसानों की, युवाओं की चिंता की है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने नहीं ठगा होगा। वहीं सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए मोदी जी ने कहा कि जब भी हमारे मध्य प्रदेश में बहन को याद किया जाएगा तो हमेशा मामा ही याद आएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अर्थात मामा ने लाडली बहनों को बहुत सारे तोहफे दिए हैं। वहीं मोदी जी ने कहा कि 3 दिसंबर को जब भाजपा की जीत का जश्न मनेगा तो लड्डू के साथ रतलामी सेव भी चखे जाएंगे। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को लिखा है पत्र। उन्होंने कहा है कि बहनों, इस पत्र को संभाल कर रखना, ये पत्र मेरा वचन एवं गारंटी है। कमलनाथ जी ने बहनों से वादा किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनते ही वे मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहले नारी सम्मान योजना पर दस्तखत करेंगे। उन्होंने महिलाओं से कहा है कि आप इस पत्र को संभाल कर रखें, क्योंकि ये उनका वचन और गारंटी है। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपको वचन देता हूं कि आगामी 1 जनवरी 2024 से आपके खाते में हमारी योजना के अनुसार 1500 रुपए जमा होने लगेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर अब 500 रुपए में मिलने लगेगा। अगर अब तक किसी महिला ने नारी सम्मान योजना के फॉर्म नहीं भरे हैं तो वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। इस प्रकार कमलनाथ जी ने महिलाओं को पत्र लिखकर अपने वचन के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, देश के 80 करोड़ राशन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है बड़ा तोहफा। रतलाम में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना अगले 5 साल तक चलाई जाएगी। यह योजना 3 वर्ष से चल रही है और दिसंबर में पूरी होने वाली है
अब इसे आगे बढ़ाते हुए 5 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा, अर्थात दिसंबर 2028 तक यह योजना देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में मिलते रहेगी, अर्थात राशन कार्ड धारियों को फ्री में राशन मिलता रहेगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए एम्बुलेंस का उपयोग कर बांटी जा रही है शराब, ताकि वोटरों को रिझाया जा सके। प्रदेश की चुनावी हॉट सीट बने इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा क्षेत्र में शराब और अवैध रूप से मतदाताओं को प्रलोभित करने वाली सामग्री बांटने के लिए एम्बुलेंस का सहारा ले रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मामले में चुनाव आयोग को शिकायत भी कर दी है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है कि क्षेत्र में बाहर से एम्बुलेंस आती है और क्षेत्र में गायब हो जाती है। एम्बुलेंस किसी अस्पताल में पहुंचने की बजाय कहीं और पहुंच जाती है। वहीं घड़ी, कपड़ों के साथ चुनावी लाभ के लिए शराब भी इनमें ढोई जा रही है। ऐसे में जहरीली शराब बांटने से जनहानि की आशंका बनी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गिनाए हैं कमलनाथ जी के घोटाले। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने 350 करोड़ रुपए का मोजर वेयर घोटाला किया है। वहीं 2400 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में भी उनका नाम आया है। इसके अलावा 600 करोड़ रुपए का इप्को घोटाला भी किया गया है। वहीं 25,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का घोटाला भी कमलनाथ ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतनी आयु हो गई है, इतने घोटाले हो गए हैं, उसके बावजूद भी कमलनाथ का पेट नहीं भरा। इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।